मुस्कुरा कर दर्द बुला कर रिश्ते में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है नारी। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ श्रिया और वेल ट्रेंड की तोप आ गई हूँ आप लोगों से बातचीत करने इस मंडे इवनिंग को। वेल आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो सारी प्यारी वुमेंस को मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। और आज मैंने बात करी ऐसी ही एक वुमेन ऑफ सब्सटेंस से। उनकी कहानी जान के आप भी ज़रूर इंस्पायर होंगे, तो सुनिए मेरी उनसे ये बातचीत। वेट वेट वेट, अभी नहीं, पहले गाने इंजॉय कीजिए उसके बाद सुनिएगा। सी यू। ट्रैप जी बीटा सर कट कट दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। बामे दी जीना लाइफ सीना रता रंगीना चोबर शकीना कप्पा चलीना गल्ला तो मीना कई नारा दे मैसेज छड़े कर सीना पक्के तरा किया ना उड़ते जवा किया दारू च कर दे डराउन मुंडे ब्राउन मुंडे। देसी जगीता ट्रैप सिर कट गज दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। आओ देसी जगीता ट्रैप जी बीटा सिर कट गज दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। फोटा तो जी क्लास पाना तो मोटे स्टैक कर देना गेम लैक ब्राउन ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। माइंड ते पीच सिर कट गज दे स्पीकर च वज दे ब्राउन मुंडे। परसों बैगा च कैश लैके हुणे के पटाउन मुंडे ब्राउन मुंडे। आओ देसी जे कीता ट्रैप जी बीटा सिर कट गज दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। देसी जे कीता ट्रैप जी बीटा सिर कट गज दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। आओ यार पावे थोड़े आ जके ही जोड़े आ मिठे ना बनते हे बुल्ला तो कौड़े आ लंबे ही तौड़े आ हिक्का तो चौड़े आ मुकदी आ गल ना दब्बा ते कोड़े आ डायमंड दे पीस ने करोड़ा दी चीज ने आउंदे किथे डाउन मुंडे ब्राउन मुंडे। देसी जे कीता ट्रैप जी बीटा सिर कट गज दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। आओ देसी जे कीता ट्रैप जी बीटा सिर कट गज दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। आओ देसी जे कीता ट्रैप जी बीटा सिर कट गज दे स्पीकर च वजदे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। आओ देसी जे कीता ट्रैप जी बीटा ब्राउन मुंडे।
बचपन में हम सभी ने गुड्डे गुड़ियाओं का खेल तो खेला है, और जब हमारी गुड़िया की शादी होती थी तो अक्सर हमारे माँ बाप कहते थे, बेटा एक दिन तेरा भी दूल्हा राजा आएगा और तुझे ले जाएगा। शादी के बाद हम लड़कियों की प्रायोरिटीज अक्सर चेंज हो जाती है, हमें एडजस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है और हमारे सपनों को कुचल दिया जाता है, क्योंकि शायद हम मिस से मिसेस बन जाती हैं। लेकिन अगर साथ हो एक सुपर सपोर्टिव हस्बैंड का तो ड्रीम्स भी रियलिटी बन जाती है। हेलो एंड वेलकम, आई एम श्रेया और आप देख रहे हैं सिंपल सवाल। आज की हमारी गेस्ट एक इसी चीज का उदाहरण है कि ड्रीम्स भी रियलिटी बन सकती है, और उनके सुपर सपोर्टिव हस्बैंड की तो मैं फैन बन चुकी हूँ पर्सनली। हमारे साथ आज जुड़ रही है फॉर एन इंटरव्यू चिट चैट परवीन, जो 2018 की मिसेस इंडिया इंटरनेशनल की रनर अप है। हेलो परवीन एंड वेलकम टू सिंपल सवाल विद श्रेया। How are you? मैं अच्छी हूँ श्रेया जी, आप बताइए आप कैसी हैं? थैंक यू परवीन, आई एम रियली गुड ऑन, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत करके। परवीन, मैं आपके बारे में रिसर्च करी थी, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रनर अप के बाद आपको काफी सारे सबटाइटल से भी नवाजा गया है, बेशक जिसकी आप हकदार भी है, लेकिन एक सबटाइटल है जिससे आपको दो बार नवाजा गया है, वो है मिसेज बेस्ट स्माइल का। माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, अल्लाह आपकी स्माइल को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। लेकिन पहले की इस किताब से पहले की परवीन और इस किताब के बाद की परवीन में क्या अंतर है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बेस्ट स्माइल था वो मेरा एक सबटाइटल था जो कि मैंने दो बार लिया। मैं मिसेज इंडिया 2018 रनर अप हूँ और साथ मैंने सब टाइटल लिए जिसमें से बेस्ट स्माइल मेरा बेस्ट इसलिए है क्योंकि वो मुझे दो बार टाइटल मिला है अलग अलग जगह पर। तो काफी लोग हैं जो मुझे मेरी स्माइल को पसंद करते हैं और मेरी स्माइल अच्छी है मुझे बोलते हैं, इसलिए शायद दो बार ही मुझे ये टाइटल मिला, मेरे लिए बेस्ट टाइटल है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सपने तो हर लड़की देखती है और मैंने भी देखा ऐसा सपना, और उनको पूरा करने की भी हिम्मत किसी किसी में होती है, क्योंकि जब लड़की अपने माँ बाप के घर पे होती है तो उसको बहुत सारी चीजों से का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज में टोका टाकी, देखो आपको अगले घर जाना है, आप ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, तो ये चीज सबको ही फेस करनी पड़ती है लड़कियों में अधिकतर। फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद तो आप समझ ही सकती हैं कि कोई भी लड़की सोचती है कि हमारा सपना शायद अब एक सपना ही बनकर रह गया। और मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि जो ख्वाब मैंने देखे थे मुझे लगा कि शायद अब ये सपना ही रह गया और मैं इस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर एक दिल में छोटी सी भी आस कहीं ना कहीं होती है कि अभी भी मेरे अंदर है वो चीज, वो जज्बात है कि मैं पूरा कर पाऊंगी, तो आप उस चीज को पूरा कर सकते हो और मैंने भी कर दिखाया। और शादी के कितने सालों बाद मैंने ये सपना पूरा किया, क्योंकि मेरे दिल में एक आस थी और ये आस हमेशा जिंदा रही जब तक मैं इस चीज को पा ना सकी। तो मैं हर लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपने कभी सपने देखे हैं तो उनको कभी भी मरने मत दीजिए, उनको पूरा मरते दम तक कभी ना कभी सोचिए, आपके कभी भी पूरे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको पूरा नहीं कर सकती हैं। आई ट्रूली अग्री विद यू परवीन। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, ये थोड़ा निजीगत सवाल भी है, एंड आई एम श्योर ये जो महिलाएं आपको देखेंगी और जो यूथ और यंगस्टर्स भी आपको देखेंगे इस इंटरव्यू में, वो भी आपसे सीख जरूर लेंगे। परवीन, जब हम कोई सपना देखते हैं या हमारी कोई ड्रीम्स और एस्पिरेशंस होती है, तब सबसे पहले हम अपने फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं, और जब फैमिली ही सपोर्ट ना करे तो उम्मीदें ना अचानक से टूट जाती है। आपके केस में भी ऐसा ही हुआ कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, फिर आपकी शादी हो गई, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया और आपने अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में तब्दील किया अपने हार्डवर्क की वजह से भी। तो जो आज महिलाएं आपको देखेंगी और वो ये सोच रही है कि हमारी शादी हो चुकी है अब हम शायद कर पाए या ना कर पाए, उनके लिए आपका क्या खास मैसेज है? देखिए, मेरा मानना यह है कि सपने हर कोई देखता है, हर लड़की सपने देखती है, और मेरा ये भी मानना है कि हर किसी में टैलेंट होता है, किसी ना किसी चीज का टैलेंट होता है, बस उसको एक हमें खोजने की जरूरत होती है अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है।
तो मेरे अंदर भी शुरू से था, हालांकि मैंने स्टडी की, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैंने NIIT से, तो मेरे पापा तो यही चाहते थे, मम्मी पापा मेरी फैमिली वाले, कि मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जाऊँ और कुछ ऐसा ही बनूँ जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने। लेकिन मेरी शुरू से पढ़ाई में मैं सो थी, इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फेम की दुनिया में जाने का मुझे बहुत शौक था। और जैसे कि हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में इवेंट होते थे, डांस होते थे और फैशन शो होते थे, तो उसमें बहुत आगे रहती थी और फैशन शो में मैंने 2 टाइटल भी लिए हुए हैं, तो यही बेस्ट स्माइल एंड फोटोजेनिक का टाइटल मैंने लिया हुआ है। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स भी और पेरेंट्स की तरह अलाउ नहीं करते थे, यू नो कि एक मुस्लिम फैमिली पढ़ाई ले वही बहुत अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनको दुख दे के आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, जो उन्होंने बोला मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरी शादी जल्दी हो गई, और जब शादी हुई तो आपको पता ही है, जब शादी हो जाती है तो लड़की का सपना वहीं के वहीं रह जाता है कि अब तो बस लाइफ खत्म हो गई है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही माना जाता है कि शादी हो गई तो लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के कई सालों बाद मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते रहते थे कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में जानते थे, तो उनको पता था कि मुझे इस लाइन में जाने का बड़ा शौक है। तो काफी टाइम बाद उन्होंने मुझे दोबारा से बोला कि आप दोबारा जाओ इस लाइन में, मिस इंडिया जैसे होता है, ऐसे मिसेज इंडिया भी होता है, मिस इंडिया ना सही तो मिसेज इंडिया बन जाओ, मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट करो। उन्होंने मुझे फोर्स किया, तो मैंने फॉर्म भर दिया और मैं ऑडिशन के लिए गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऑडिशन देते हुए भी मैं रास्ते में रुक गई और एक फ्रेंड के घर चली गई और मैंने उसे बोला कि मेरा जाने का मन नहीं है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं हूँ तेरे साथ और मैं चलती हूँ। उस फ्रेंड को भी मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आज मैं उसी की वजह से हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ तक लेकर गई और मैंने ऑडिशन दिया। जब मैंने ऑडिशन दिया मैं सेलेक्ट हुई, उसके बाद मैं 5 दिन की ग्रूमिंग के लिए गई और मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में मैंने 3 टाइटल जीते, मिसेज इंडिया 2018 रनर अप, मिसेज इंडिया बेस्ट स्माइल एंड मिसेज इंडिया सिंसियर। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं टाइटल जीत के लाई और मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। और मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं सपनों की दुनिया में ही जी रही थी कि मेरा बहुत बड़ा सपना ही पूरा हो गया, जो मैं चाहती थी वो शायद मैंने पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके आगे भी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती रही, काफ़ी शोज मैंने किए, एज अ जज गई, एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट गई, एज अ चीफ गेस्ट गई। तो मुझे बहुत खुशी है, आज भी मैं जाती रहती हूँ, काफ़ी सारे ब्रांड शूट किए मैंने। और मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है, सपने पूरा करने की कोई भी उम्र नहीं होती, ये बात तो आप मुझसे समझ ही गए होंगे कि हम जब चाहें अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बस जरूरत होती है एक अच्छे टाइम की, और वो अच्छा टाइम आपका कभी भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी शादी से पहले ही आए, आपकी शादी के बाद भी आ सकता है। बस अपने सपनों को मरने ना दें, उसको हमेशा जिंदा रखें अपने अंदर, तो बिल्कुल आपके सपने जरूर पूरे होंगे जैसे कि मैंने किए। और मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सपने देखने ना छोड़ें और उनको मरने ना दें, दिल में एक आस जरूर रखें कि कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकोगे। परवीन, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। एक लड़की होने के नाते मेरे भी कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और मैं भी किसी सोच में हूँ कि मुझे अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करना है। और आज आपसे बात करने के बाद मैं भी अपने सपनों को पूरा करने में। बॉलीवुड डीजे रीमिक्स की तरफ से
बॉलीवुड डीजे रीमिक्स की तरफ से
बॉलीवुड डीजे रीमिक्स की तरफ से।
बॉलीवुड डीजे रीमिक्स की तरफ से Base.
रखे स्ट्रॉ
डीजे जॉय रिमिक्स बॉलीवुड डीजे रिमिक्स की तरफ से सर पे डाले है ये चुनिया क्यों हाँ क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने दे ना दुनिया क्यों हाँ दुनिया क्यों है किन्नी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल इसे झूमने दे अपनी बीत दे कुड़ी नो नचने दे हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ढूंढ के हाँ चुमके नचने दे सारे फिक्रा नू छड़ के बंधन के कुड़ी नू नचने दे नचने दे आवाज लगाने दे ढूंढ के हाँ जम के कुड़ी नू नचने दे नचने दे सारे फिक्रा नू छड़ के बंधन के कुड़ी नू नचने दे बाजी ओ उखड़े उखड़े क्यों खड़े जी हंसतो तो हंस देगी दुनिया भी हाँ जी ओ आई